मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में दूर दराज से छात्र छात्राएं अध्ययन करने के लिए आते हैं, जिससे कि मेडिकल के क्षेत्र में वह अपने भविष्य को संवार सके। लेकिन पिछले 4 साल से अगर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो छात्र छात्राओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि स्थायी रूप से वहाँ फैकल्टी नहीं है, जिससे छात्र छात्राओं को अध्ययन करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि गत 2 वर्षों तक डॉक्टर यास्मीन पर डबल चार्ज था, जिससे कहीं ना कहीं वह छात्र छात्राओं को अध्ययन करा रही थी, लेकिन अगर आपकी बात करें तो अब कोई भी स्थायी फैकल्टी नहीं। देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत है यहाँ पे वो ये है कि रेडियोलॉजी में कोई सीनियर फैकल्टी नहीं है इस समय, तो पूरा विभाग है वो सीनियर रेजिडेंट के भरोसे छोड़ दिया गया है। कोई भी सीनियर फैकल्टी यहाँ पर नहीं है जो कि गाइडेंस दे सके। रेडियोलॉजी की कमी की वजह से पठन पाठन नहीं हो रहा है, जितने भी जूनियर रेजिडेंट हैं उनकी बिल्कुल पढ़ाई हो ही नहीं रही है, थीसिस नहीं अलॉट हो पा रही है। जो डिग्री के लिए थीसिस अलॉट होती है, 3 साल में वो थीसिस करके कम्प्लीट होनी होती है तभी डिग्री मानी जाती है, तो वो थीसिस अलॉट नहीं हो पा रही है, तो इसके चलते भी जितने भी रेजिडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा तनाव में हैं। डॉक्टर साहब, देखा जाए कि यहाँ रेडियोलॉजिस्ट में प्रोफेसर नहीं है, कितना बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो अध्ययन कर रहे हैं? काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय हमारे मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजी विभाग में जो प्रोफेसर हैं या मतलब कोई टीचर्स हैं बिल्कुल ज़ीरो हैं। अदर डिपार्टमेंट में फैकल्टी लगभग पूरी हैं, लेकिन रेडियोलॉजी विभाग में फैकल्टी ज़ीरो है, जिसकी वजह से जो हमारे जूनियर रेजिडेंट हैं उनकी टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में शासन को पत्र आपके द्वारा या प्रिंसिपल को अवगत कराया हो? इसमें हमने प्रिंसिपल सर को, और ये मैटर प्रिंसिपल सर के संज्ञान में पहले से ही है, और हमारे प्रिंसिपल सर जो है इसको बहुत गंभीरता से ले भी रहे हैं, लेकिन ये जितने भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं ये लखनऊ से और ऊपर DGMB से किए जाते हैं, तो हमारे प्रिंसिपल सर के थ्रू हम भी उनसे बार बार निवेदन करते रहते हैं, और हमारे प्रिंसिपल सर ने भी उनको निवेदन भेजा है कि हमारे यहाँ पर कम से कम 2 फैकल्टी ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे जूनियर रेजिडेंट हैं उनकी टीचिंग पर कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। जैसे इसमें विभाग में पोस्ट खाली है, क्या इसको लेकर आपने शासन को अवगत कराया? हम पिछले 4 सालों से 2018 से में डॉक्टर यास्मीन का यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था, उसके बाद से कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। हमने अपनी लेवल पे बहुत कोशिश की, IMA के थ्रू कोशिश किया, हमने कई रेडियोलॉजिस्ट एसोसिएशन की तरफ कोशिश किया और पर्सनली लोगों से बात किया, लेकिन कोई अभी तक रेडियोलॉजिस्ट नहीं आ पा रहा है। शासन से भी कोई अभी तक जो है वो पोस्टिंग नहीं हो पा रही है। अपने शासन भी कई बार बात की, लेकिन शासन की समस्या है कि उनके पास भी रेडियोलॉजिस्ट की बहुत कमी है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इससे काफ़ी व्यवस्थाओं पर असर पड़ रहा है। कहीं अब शासन को ये भी सोचना होगा कि जिस तरीके से यहाँ से ट्रांसफ़र तो हो रहे हैं, तो ट्रांसफ़र के साथ साथ यहाँ पर प्रोफेसर की भी सुविधा की जाए, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर हो, जो यहाँ बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं उन्हें भी अच्छे तरीके से पढ़ाई की कराई जा सके। न्यूज 18 मेरठ से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।